मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड उसके रिपोर्ट ऑटोमेशन के तरीके। तो दोस्तों, आज आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। एक हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे दोस्त नहीं, मेरा YouTube व्यूअर है, जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब उन्हीं के क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनको हम रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने डेटा भेजा है कि उनके पास कुछ इस तरह का डेटा है, जो एक मिनट सीट वन पे डेटा है, इस तरह का डेटा है जिसमें स्टूडेंट नेम है, मार्क्स कितना किया, टोटल मार्क्स क्या था और उसकी पोजीशंस क्या है। तो इन्होंने मैनुअल निकाल रखा है, ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेट करके निकाले, कि मुझे मैनुअल ना लिखना पड़े, हम ऑटोमेटिकली इसको निकाल लें। तो चलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो रैंकिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रैंक का, रैंक रैंक, हमने रैंक का नंबर ले लिया कि इसको इस पूरे में ढूंढना है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वन आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं F4 से, F4 से इसको फ्रीज करेंगे, इसके बाद ड्रैग करेंगे, हमने इसको किया और नीचे ड्रैग कर दिया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि 2 इज नॉट है, कि अगर आप आपका अगर सीक्वेंस में रिपीटेड नहीं है तो ये चलेगा, जहां रिपीटेड हुआ वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जी हाँ, रिपीटेड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो एक और तरीका है कि अगर हम ये फर्स्ट फर्स्ट ना करें, तो एक और तरीका है मेरे पास। तरीका क्या है कि मैं प्लस काउंट इफ का फंक्शन लगाऊंगा, काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2, एंड नीचे ड्रैग करने से पहले पहला जो B2 है हमारा उसको फ्रीज कर देते हैं F4, एंड हम नीचे ड्रैग करते हैं। तो इसमें आप रिपीटेड नहीं देखेंगे, तो बेसिकली 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से रैंक आपको दिख जा रहा है। तो रैंकिंग आप ले सकते हो, राइट? तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं 2 से स्टार्ट नहीं है, तो बैन -1 कर दीजिए एंड यही एंटर कीजिए, तो आप देखें आपका आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रैंकिंग आ रहा है। तो इसकी रैंकिंग कर सकते हो आप इजिली। तो हमने क्या किया, हमने काउंट इफ प्लस हमने रैंक लगाया, इस पे काउंट इफ का वैल्यू लगाया कि काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2, जब ये नीचे ड्रैग करेगा तो क्या हो जाएगा B2 से B3, फिर आगे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा B2 से B4, तो ये अपने से ऊपर वाली वैल्यू का ही काउंट करेगा और ऐड कर देगा, किसमें, रैंक। तो हमारा एग्जैक्ट रैंकिंग यहां पे निकल आएगी। अब जैसे डेटा ए है, फिल्टर ए मतलब कि है, अगर मान लीजिए एक नंबर हमारे 72, 74 करता है, वन यहां पे मैं कर देता हूं, मान लीजिए कि 176, तो भी आपका आप देख रहे हैं कि हाँ 1 आ गया एंड 2 इज हियर, 3, 4, 5 एंड अगेन रिपीटेड। तो इसमें शॉर्टिंग होना जरूरी नहीं कि आपका डेटा शॉर्ट हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास, अगर मैं इसी डेटा को लेता हूं और मेरा डेटा शॉर्ट नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह के बताया कि भाई रिपीटेड है, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड 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 थर्ड 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 इस तरीके से आया, तो यहाँ पे थोड़े सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये फिर हम इसके जरिए मतलब कि फॉर्मूले के जरिए तो करके लेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमें एक मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। क्या मैनुअल करना पड़ेगा, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, इसको मार्क्स को, जो भी मार्क्स हमने लाया है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो जाएगा, शॉर्ट ए टू जेड टू जेड। देन यहां पे फॉर्मूला लगेगा कि इफ अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ऊपर वाली वैल्यू को शो करो, अदर ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दो, तो 0 कर रहा है तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, और फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं,
रिजल्ट आ गया, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, तीन बार फर्स्ट आ गया। एक मिनट, हमें थोड़ा सा गलत लगाया, हमें चेंज करना पड़ेगा। सही है रिजल्ट, थोड़ा सा गलत है। फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, देन देंगे कि इफ बी टू, ये जो है सामने वाले वैल्यू बराबर है अपने नीचे वाले वैल्यू से, तो ऊपर वाले वैल्यू को शो करो, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करो। रिजल्ट आपके सामने आ गया। नीचे वाली वैल्यू नहीं होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगा। अब सही है, हाँ 13 तक आ गया। अब इसमें हम जो है, अब इसमें देखिए क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से आना चाहिए। तो इस पे हम चूज लगाएंगे, नहीं चूज नहीं, हाँ कहेंगे कि यहाँ पे कि इफ इट इज लेस देन फोर देन चूज, इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा एस टी कॉमा एन डी, सेकेंड के लिए एन डी कॉमा, थर्ड के लिए आर डी एंड और फिर इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। सो लेस देन होना चाहिए, हमने ग्रेटर देन दे दिया, लेस देन। देन हम इसको आपस में कॉनकैटिनेट कर लेते हैं। ये तरीका है, ये किस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए डेटा को शॉर्ट करके देन आपको इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एज यू लाइक, जो मेथड आप फॉलो करना चाहें फॉलो करके आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वीडियोज आप देखते रहिए, और अपने सपोर्ट एंड अपने प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो एक्सेल में, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो अगर फ़ोन पे सॉल्व करने वाली चीज़ें होगी तो मैं आपको फ़ोन पे सॉल्व कर दूंगा, अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो थोड़ा सा टाइम लूंगा और इस तरह की वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आप लाइव क्लासेस लें हमारे साथ, तो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाए, वहां पे मेरे सारे कोर्सेज डले हैं, कोर्सेज देखें, डेमो क्लासेस का फॉर्म है, तीन चार डेमो क्लासेस ज्वाइन करें। मैं तो कहूँगा कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, हमारी कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे डेमो क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। डेमो क्लासेस से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हमारी ऑनलाइन कोर्सेज कैसे होती है। तो डेमो क्लासेस का फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट iptindia.com पे जाके फॉर्म भरें, और कोई भी डाउट हो तो कॉल मुझे जरूर करें। Thanks for watching this video. Have a nice day.